नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, वी इक्वल्स यू प्लस टू एस, इसको हमें करेक्टनेस चेक करनी है. फॉर ए करेक्ट इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट मीन्स सेपरेटेड बाय इज इक्वल टू और सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस. देर आर थ्री पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, वन पार्ट इज वी, अदर पार्ट इज यू एंड थर्ड पार्ट इज टू एस. पार्ट ऑफ इक्वेशन का मीनिंग वो पार्ट जो बीच में जिनके इज इक्वल टू आ रहा हो या प्लस या माइनस में से कोई आ रहा हो. बीच में अगर मल्टीप्लाई डिवीजन आए तो वो अलग पार्ट नहीं है. टू चेक द करेक्टनेस डायमेंशन ऑफ वी एल टी माइनस वन, डायमेंशन ऑफ यू एल टी माइनस वन, बिकॉज बोथ आर स्पीड, जो स्पीड है वो स्पीड है. डायमेंशन ऑफ टू एस, टू इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन ऑफ ए इज एल टी माइनस टू, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज एल, सो व्हाट इज द डायमेंशन एल टू टी माइनस टू, हेंस सिंस द डायमेंशंस ऑफ आर ऑल पार्ट आर नॉट सेम, हेंस इक्वेशन इज नॉट वैलिड. अगर सबकी डायमेंशन सेम आती, ठीक है, वी और यू की तो डायमेंशन सेम आ रही है, लेकिन बाकी जो पार्ट बचा उसकी डायमेंशन डिफरेंट आ रही है, किसी भी एक पार्ट की डायमेंशन डिफरेंट हो जाए तो फिर ये इक्वेशन वैलिड नहीं है. के लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक एक पार्ट की डायमेंशन यही निकालनी है, अलग 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 अलग. हालांकि अब तो आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, उसमें कोई मतलब ही नहीं आप कैसे निकालो, लेकिन कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं. इस तरह की इक्वेशंस में क्या मिस्टेक करते हैं, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन इज प्लस टू एल टी माइनस टू एल, सबकी डायमेंशन वही की वही ली थी. ये गलत नॉनसेंस तरीका है.